मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। बुद्ध की पूजा हो या जिसकी मस्जिद है, मस्जिद है। अब दलील, दलील क्या है भाई? ये कोई नई बात है। बाबरी मस्जिद में आज लोग पूजा कर रहे हैं, काबा में तो नबी के दौर में पूजा हो रहा था, लोग लाखों गोबर की परस्तिश कर रहे थे, 360 बुद्ध काबे में नसब थे, तो भी काबा काबा रहा। और एक दिन आया कि काबा बुतों से पाक हो गया, उसी तरह बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि काबा बुतों से पाक हुआ था, बाबरी मस्जिद भी बुतों से पाक। मालिक नहीं है, खुदा पे ईमान है। अरे जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। तो मस्जिद रहेगी, हम लोग कब्र में भी रहेंगे, लेकिन अजान होती रहेगी, नमाज लोग पढ़ते रहेंगे, ईंटा लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, कयामत का दिन आएगा, उससे पहले, उससे पहले। कुल मन अलैहा फानिउन व यबका वजहु रब्बिक وجه ربك ذو الجلال والإكرام। पूरी कायनात फना हो जाए, बाकी रहने वाली जात से फंदा किए तो सबका महल खत्म होगा। दिल्ली का लाल किला खलास, हाँ खलास, आगरा का किला खाता, अमेरिका का व्हाइट हाउस, मरिया मेट, सब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मस्जिद रहेगी। जोर से बोलो मैं सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी मस्जिदों को अल्लाह उठा लेगा, हश्र में मस्जिद की एक एक सर्रे गवाही देंगे। मौला इसने मुझे में लगाया था, इसने लगाया था, इसने लगाया था। और ये तो ऐसा सवाब जा रहा है यार, बेटा बेवफा हो जाए, मस्जिद में लगा दो, सवाब मिलता रहेगा। ये आप लोग जानते हैं, फिर भी देने में कैश करते हैं। सुनिए, मेरे पास अब टाइम खत्म, तकरीर इंशाल्लाह फिर आऊंगा, कभी आप उदाहरण रहेगा कर दूंगा। मुझे 5 आदमी ऐसा चाहिए जो अपनी माँ की मोहब्बत में एक एक सुन कर